लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखे गए पत्र पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इंदौर जयपुर लिंक ट्रेन को लेकर देश भर में लिंक ट्रेनें बंद की गई हैं। उसी कड़ी में इंदौर जयपुर ट्रेन भी शामिल है। ताई हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सोच समझकर पत्र लिखा है और शहर के हित में मांगे उठाई हैं। मैंने भी समय समय पर रेल मंत्री से इंदौर से चलने वाली ट्रेनों के संदर्भ में बात की है। इंदौर को किनारे किया जा रहा है सुविधाओं के मामले में, ट्रेनों में सुविधाएं भी बंद की जा रही है। हमारी वरिष्ठ नेता है, उनका बहुत लंबा अनुभव है और खासकर ट्रेनों के मामले में भी उनका बहुत लंबा अनुभव, और इंदौर को बहुत सारी सौगातें ताई के माध्यम से मिली है। उन्होंने पत्र जरूर लिखा है, कुछ योजनाओं के बारे में लिखा है और इंदौर की जो जयपुर ट्रेन है, क्योंकि लिंक ट्रेन सब जगह से एक बैठक में ये हुआ था कि सभी लिंक ट्रेनें बंद की जाएँ, उसमें हमारी इंदौर जयपुर भी है। मैंने भी कल ही माननीय मंत्री जी से बात की थी और पत्र तो पहले ही लिख दिया था, कल बात भी की और हमने निवेदन किया कि जयपुर की लिंक ट्रेन भी चालू रहता है। ताई ने उस पत्र में एक लाइन लिखी है कि मेरे वहाँ दिल्ली न होने की वजह से कहीं नहीं हो रहा है, ऐसा उपेक्षा शब्द का यूज किया, शब्द का उपयोग किया गया, और ये भी एक मैसेज जा रहा है कि क्या हमारे सांसद वहाँ पे दमदारी से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, इस पत्र का आशय ये भी निकाल रहे हैं। नहीं, ये लिखता है कि हमारी वरिष्ठ नेता हैं और वो हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके नेतृत्व में ही बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में ही मैं काम कर रहा हूँ। और लगातार जब मैं दिल्ली में था तो रेल मंत्री के इस जो सत्र था, एक साल में मैं 4 बार रेल मंत्री से मिला हूँ और 4 कई बार उनको पत्र भी दिए, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और ताई जी वरिष्ठ हैं और उनकी मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र में साफ तौर से इंगित करते हुए कहा था कि उनके दिल्ली में न होने से इंदौर की उपेक्षा हो रही है, जो सीधे तौर पर इंदौर के बीजेपी सांसद और नेताओं पर एक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।